आईपीएल 2024 में बदल जाएगी चेन्नई सुपर किंग की प्लेइंग 11। जानेंगे कौन से 11 खिलाड़ी खेलते हुए नजर आ सकते हैं, तो खबर की पूरी जानकारी बताएंगे आज की इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी के फैन हैं और चाहते हैं कि एक बार फिर से आईपीएल की ट्रॉफी चेन्नई सुपर किंग ही जीते, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आईपीएल 2023 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग की टीम ने नया इतिहास रच दिया। चेन्नई सुपर किंग की टीम ने 5वीं बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया। चेन्नई सुपर किंग अब आईपीएल इतिहास की सबसे सफल टीम बन चुकी है। आईपीएल 2023 के शुरुआती मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग का प्रदर्शन कुछ ठीक नहीं रहा था, लेकिन बाद में धोनी की कप्तानी में इस टीम ने जबरदस्त वापसी की। पहले इस टीम ने प्लेऑफ में जगह पक्की की और फिर बाद में लगातार गुजरात टाइटंस को 2 मुकाबले हराते हुए आईपीएल ट्रॉफी पर कब्जा किया। जहां पर चेन्नई सुपर किंग की टीम आईपीएल 2024 की तैयारी में जुट गई है, यहां पर चेन्नई सुपर किंग की टीम आईपीएल 2024 की तैयारियों में जुट गई है। आईपीएल 2024 में एक बार फिर चेन्नई सुपर किंग की टीम प्रबल दावेदार रहने वाली है। हालांकि हमें आईपीएल 2024 में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि चेन्नई सुपर किंग की संभावित प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है, जो हमें आईपीएल 2024 में खेलते हुए नजर आ सकती है। आपको ये बता दें कि एक बार फिर से ऋतुराज गायकवाड़ और डेवोन कानवे ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। अगर आईपीएल 2023 में चेन्नई सुपर किंग की टीम चैंपियन बनी है, इसमें इन दोनों खिलाड़ियों का काफी ज्यादा योगदान रहा है। ये दो खिलाड़ी लगातार चेन्नई को शानदार शुरुआत दिलाते हैं। खास तौर पर डेवोन कानवे ने अपने प्रदर्शन से सभी को हैरान कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ ऋतुराज गायकवाड़ भी एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं और आने वाले समय में इनको कप्तान भी माना जा रहा है। वहीं दोस्तों नंबर 3 पर अंकिजय रहाणे खेलते हुए नजर आएंगे। आईपीएल 2023 से पहले चेन्नई सुपर किंग की टीम ने अंकिजय रहाणे को खरीदा था। आईपीएल 2023 के दौरान रहाणे ने अपने बल्लेबाजी से सभी का दिल जीता था। रहाणे ने न सिर्फ आक्रामक बल्लेबाजी की बल्कि बेहतरीन पारियां खेलते हुए चेन्नई सुपर किंग को जीत भी दिलाई। नंबर 4 पर खेलेंगे शिवम दुबे। वैसे तो एक ऑलराउंडर हैं, लेकिन वह आईपीएल 2023 में ज्यादातर समय बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। शिवम दुबे अपने लंबे लंबे छक्कों के लिए जाने जाते हैं और एक बार फिर से आईपीएल 2024 में खेलते हुए नजर आने वाले हैं। नंबर 5 पर मोइन अली खेलेंगे। मोइन अली ना सिर्फ बल्लेबाजी करते हैं बल्कि अपने स्पिन गेंदबाजी से कमाल दिखाते हैं। आईपीएल 2023 के दौरान उन्होंने ना सिर्फ कुछ बेहतरीन पारियां खेली बल्कि उन्होंने कई ऐसे कारनामे दिखाए थे जहां पर सामने वाली टीम को टिकने नहीं दिया था। नंबर 6 पर खेलेंगे रविंद्र जडेजा की बात करें तो वह चेन्नई सुपर किंग के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। वह एक बार फिर आईपीएल 2024 में खेलते हुए नजर आएंगे। नंबर 7 पर उतरेंगे महेंद्र सिंह धोनी को लेकर तमाम खबरें आते रहती हैं। पहले खबर आ रही थी कि वह आईपीएल 2023 के बाद संन्यास लेंगे। आपको यह बता दें कि खबरों की माने तो आईपीएल 2024 में भी खेलते हुए नजर आएंगे और वही टीम के कप्तान होंगे। नंबर 8 पर उतरेंगे मथीसा पथिराना श्रीलंका के तेज गेंदबाज हैं। उन्होंने आईपीएल 2023 में भी बेहतरीन गेंदबाजी की थी। खास तौर पर वह डेथ ओवर में उनकी गेंदबाजी किसी भी बल्लेबाज को टिकने नहीं देती। नंबर 9 पर दीपक चाहर खेलेंगे। दीपक चाहर भी चेन्नई सुपर किंग के प्रमुख गेंदबाज हैं। आईपीएल 2023 में गजब की वापसी करते हुए चेन्नई सुपर किंग को जीत दिलाई। वहीं नंबर 10 पे मुकेश चौधरी की वापसी होगी। आईपीएल 2023 में चोटिल हो जाने की वजह से नहीं खेले थे, लेकिन वह आईपीएल 2024 में वापसी करने वाले हैं। मुकेश चौधरी का टीम में शामिल होना लगभग तय माना जा रहा है। नंबर 11 पर पैट कमिंस को मौका दिया जा सकता है। हालांकि पैट कमिंस इस समय चेन्नई सुपर किंग का हिस्सा नहीं है, लेकिन ऑक्शन के दौरान चेन्नई सुपर किंग की टीम पैट कमिंस को खरीदना चाहेगी। पैट कमिंस के आने के बाद चेन्नई की गेंदबाजी को मजबूती मिलेगी। आपको क्या लगता है चेन्नई सुपर किंग की बेस्ट प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए? आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि चेन्नई सुपर किंग से जुड़ी हर अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे।